फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रगति इंस्टीट्यूट। और अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको अर्थमेटिक मेन डायरेक्ट मेथड से करना बताया था और इंडिविजुअल सीरीज का केवल बताया था। तो आज हम लोग डायरेक्ट अर्थमेटिक मेन को निकालेंगे इनडायरेक्ट मेथड से, और सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज में ही उसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अर्थमेटिक मेन इन इंडिविजुअल सीरीज में अर्थमेटिक मेन निकालने की कोशिश कर रहे हैं भाई इनडायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड जो होता है, डायरेक्ट से मैं उस दिन बता चुका हूँ इससे पहले वाले वीडियो में, और आज हम लोग इनडायरेक्ट या जिसे शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं, तो उसी से अर्थमेटिक मेन निकालने की कोशिश करते हैं। तो एक सवाल हम लोग लेते हैं और उसको करके देखते हैं। वेल स्टूडेंट्स, तो ये न्यूमेरिकल है और इसको हम लोग को सॉल्व करना है इनडायरेक्ट मेथड से। सवाल को समझ लेते हैं। कैलकुलेट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग, जो डेटा दे रखा हुआ है उससे हमको मीन निकालना है। सीरियल नंबर दे रखे हुए हैं, सैलरीज दे रखी हुई हैं, और तो 1 to 12 सीरियल नंबर हैं। शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले हेडिंग डाल लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मीन बाय इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं इसलिए मेथड का नाम देना भी जरूरी है, इनडायरेक्ट मेथड। अंडरलाइन कर देते हैं इसको। अब सबसे पहले तो एक कॉलम बनाएंगे सीरियल नंबर का कॉलम हो गया, और इसमें 1 to 12 तक लिख लेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12। अब सेकेंड कॉलम बनेगा सैलरीज का। सैलरीज इसको ब्रैकेट में एक्स लिख लेते हैं क्योंकि एक्स मीन्स वैल्यूज है, तो ये वैल्यूज दे रखे हुए हैं। और इनडायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन को करते समय सबसे पहले जो भी ये दे रखा हुआ है, सैलरीज दे रखी है, इनको हम या तो एसेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर लेंगे। एसेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े की तरफ, और डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर लगाते हैं तो बड़े से छोटे की तरफ। तो शुरू करते हैं इसको। इसको लिखते जाएंगे, उस पर थोड़ा सा टिक लगाते जाएंगे। ये इस तरह से हमने मार्क कर लिया, 140 हो गया सबसे कम, उसके बाद 160 आ गया। इससे हमें ये पता रहेगा कि हमने किसको लिख लिया। 160 हो गया, और इसके बाद है 250 भी हो गया। 250 के बाद है 270, 280, 290 and 300, 320। ये हमारा हो गया 250 भी हो गया, 270 भी हो गया, 280 भी हो गया, 290 भी हो गया, और नाउ दिस इज ये आ जाएगा हमारा 300, 290 के बाद 300 के बाद 300 को मार्क कर लेंगे, और 300 के बाद आएगा 320, देन 320 के बाद है 340 आ जाएगा, और 340 के बाद 350 आ जाएगा, 350 हो गया, 50 मार्क हो गया, उसके बाद आएगा 400 आ जाएगा, एंड लास्ट में जो है ये एक बचा है 500, जिसको भी यहाँ पर लिख देंगे। तो n तो हमारा क्लियर है, n इक्वल्स टू 12,
क्लियर हो गया, एन हमारा 12 है हो गया। एक कॉलम और बना लेंगे, एक हम बनाएंगे डी एक्स। डी एक्स मीन्स डेविएशन फ्रॉम एक्स, डेविएशन कहते हैं अंतर लेते हैं, और एक्स मीन्स जो वैल्यू हम एज्यूम करेंगे उससे अंतर लेंगे, तो इसलिए इसको डी एक्स या डेविएशन फ्रॉम एक्स कहते हैं। तो डी एक्स में हम एक इसमें से कोई सी भी वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम मीन के तौर से, तो उसको हम लोग जैसे कर लेते हैं 320 हमने कर लिया, 320 ये वाला हमने मार्क कर लिया, तो यहाँ लिख लेंगे a इक्वल्स टू 320। और अब इससे पहले हम क्या करेंगे, डेविएशंस ले लेंगे, तो जिसमें से इन वैल्यूज में से इसको लेस करते जाना है, तो आएगा इसका ये -180 आ गया, और फिर ये आ जाएगा जैसे इसमें से इसको लेस करेंगे तो आ जाएगा 160 आ गया, 250 में से करेंगे तो 70 आ जाएगा, और 270 में से करेंगे तो 50 आ जाएगा माइनस का, ये सारे माइनस भी आएंगे क्योंकि ये वैल्यूज कम हैं और ये ज्यादा है, और 280 में से इसको करेंगे तो माइनस का 40 आ जाएगा, फिर 290 में से करेंगे तो 30 आ जाएगा माइनस का, 300 में से 320 माइनस करेंगे तो माइनस का 20 आ जाएगा, और 340 में से अगर 320 माइनस करेंगे तो 300 में से ये आ गया, 320 में से अगर 320 माइनस करेंगे तो ये जीरो आ जाएगा, यहाँ पर जीरो आ जाएगा। अब 340 में से अगर 320 माइनस करेंगे तो प्लस का 20 आएगा, और 350 में से अगर इसको माइनस करेंगे तो प्लस का 30 आ जाएगा, और 400 में से अगर इसको लेस करेंगे तो प्लस का 80 आ जाएगा, 500 में से अगर इसको लेस करेंगे तो 180 आ जाएगा प्लस का 180। तो ये हमारे डेविएशंस आ गए। अब इसमें क्या करेंगे, हम माइनस वाले इनका टोटल कर लेंगे और प्लस वाले हैं इनका टोटल कर लेंगे, तो जैसे हमारा ये आ गया माइनस का, इसको अगर हम ऐड करेंगे तो देखते हैं कितना आता है, माइनस का 550 आ गया, और अगर हम प्लस का भी कर लेते हैं, कॉमा लगा के लिख रहा हूं मैं, जगह नहीं है इसलिए, तो प्लस के हमारे कितने आएंगे, थ्री हंड्रेड टेन प्लस के आ गए, और माइनस का 550 आ गया। तो अब अगर हम इसका डिफरेंस ले लें, तो डिफरेंस इस तरह से अभी रफ्वे निकाल लेते हैं हम, ये प्लस माइनस का 550 है और प्लस का 310 है, तो इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो हमारा बचेगा, माइनस के ज्यादा है तो माइनस का बचेगा, 5 में से बन गया 4 और 5 में से 3 गया 2, तो माइनस का 240 ये बचा हमारा। अब हमारा जो फार्मूला है, मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं, ये वाली जो कैलकुलेशन है उसको आप लोग यहां कर सकते हैं, इसके नीचे मैंने अभी जगह कम होने की वजह से कर दिया है यहां पर, तो मीन इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन, मीन इक्वल्स टू एक ही जगह पर आ जाएगा 320, एक ही जगह पर 320 आ जाएगा, प्लस सिग्मा डी एक्स, सिग्मा डी एक्स की जगह पर हम माइनस 240 रखना है हमें, ये है सिग्मा
dx, तो सिग्मा dx की जगह माइनस 240 रखना है और इसको ब्रैकेट में रख लेंगे क्योंकि साइन यहाँ पर ये प्लस का है, माइनस का 240 हो गया अपॉन n में n इक्वल्स टू 12 है हमारा यहाँ पर, तो लिया जाएगा और मीन इक्वल्स टू 320 प्लस, प्लस की जगह पर ये हमारा यहाँ पर माइनस हो जाएगा क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 240 को अगर हम इससे डिवाइड करेंगे 12 वन का 12 और 12 टू जा 24 जीरो, तो ये आ जाएगा माइनस का 20, माइनस प्लस माइनस हो गया 20, ऐसे ही आ जाएगा, तो मीन इक्वल्स टू 300 रुपीस हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से ये एक न्यूमेरिकल था जो कि मैंने सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल और लेते हैं पहले स्टूडेंट्स, तो ये एक और न्यूमेरिकल है दूसरा, इसमें भी हमको फ्रॉम द फॉलोइंग मार्क्स, ये जो मार्क्स नीचे दे रखे हुए हैं ऑब्टेंड बाय 20 स्टूडेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4 से लेकर 20 स्टूडेंट्स हैं और इन्होंने जो मार्क्स ऑब्टेन कर रखे हुए हैं वो दे रखे हुए हैं नीचे, और इन मार्क्स से कैलकुलेट अर्थमेटिक एवरेज, अर्थमेटिक एवरेज या अर्थमेटिक मीन निकालना है बाई इनडायरेक्ट मेथड से निकालना है। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को और सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक एवरेज बाई इनडायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड, एक ही बात है। तो इसमें सबसे पहला इसको एक कॉलम बना लेंगे रोल नंबर उसमें 1 to 20 तक लिख लेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो ये हमारे रोल नंबर हो गए 1 to 20 तक। अब जो वैल्यूज दे रखी हैं उनको हम असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेंगे, असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े की तरफ। तो ये जो सेकंड कॉलम हमारा हो जाएगा मार्क्स, और मार्क्स में जब छोटे से बड़े की तरफ लगाएंगे तो सबसे पहले 35, 36, 38 हो जाएगा और 41, 42, 44 के बाद 46, फिर 51 दो बार है, 51, देन 52 और फिर है 55, 64, 65, then 65, 66, 65, then 67, then 67 again और फिर है 68, 70, 68, 70, 71, 72, 71, 72 and 74 in the last। तो ये हमारे सारे वैल्यूज हो गए, एरो लगा लेते हैं तो हमको बड़ा इजी हो जाएगा, ये अपने समझने के लिए इजी होने के लिए थोड़ा सा ये एरो लगा देंगे। अब इसको जो है एक जो थर्ड कॉलम हम लोग बनाएंगे, ये तो मार्क्स हो गया, एक्स हो गया ये,
और घट वाला में डायरेक्ट सीरीज का जो बनता है वो बनेगा डी एक्स यानी डेविएशन फ्रॉम एक्स, और इसमें जो है हम इसमें से कोई सा भी वैल्यू मान सकते हैं, कोई सा भी वैल्यू हम एज्यूम कर सकते हैं। तो लेट अस एज्यूम ए इक्वल्स टू 52 हमने एज्यूम कर लिया, और इससे हम हर एक ये जो वैल्यूज है उनमें से इस एज्यूम्ड मीन को लेस करते जाएंगे, तो देखते हैं कितना आता है। 35 में से अगर 52 को लेस करेंगे तो माइनस में आएगा, माइनस का 17 आ गया। देन 36 में से अगर इसको लेस करेंगे तो 16 आ गया। देन 14 आ गया, और फिर है 11 आ गया, देन 42 में से 52 लेस करेंगे तो 10 आ जाएगा, 44 में से अगर ये 52 लेस करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा, और 46 में से अगर करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा, 51 में से अगर 52 लेस करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, अगेन 51 में से 52 लेस करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, 52 में से 52 अगर लेस कर देंगे तो 0 आ जाएगा। अब फिर 55 में से जो हम लेस करेंगे 52 को, तो ये हमारे प्लस में आने शुरू हो जाएंगे, प्लस का 3 आ जाएगा। 64 में से 52 को लेस करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 65 में से अगर इसको लेस करेंगे तो 13 आ जाएगा, और 67 में अगर करेंगे तो 10 का 15 आ जाएगा, और इसमें से अगर अगेन 67 में से करेंगे तो फिर से वही 15 आएगा, 68 में से अगर करेंगे तो 10 का 16 आ जाएगा, 70 में से अगर 52 को लेस करेंगे तो 10 का 18 आ जाएगा, 71 में से अगर लेस करेंगे तो 10 का 19 आ जाएगा, और 72 में से अगर लेस करेंगे तो 10 का 20 आ जाएगा, 74 में से अगर 52 को लेस करेंगे तो 4 में से 2 गेट 2 आ गया, और 7 में से 5 गेट 2, तो प्लस का 22 होगा। अब देखते हैं हमारे माइनस के कितने आ रहे हैं और प्लस के कितने आ रहे हैं, तो माइनस का आएगा 84 आ गया, और प्लस का देखते हैं, यहाँ कॉमा लगा देते हैं, प्लस के देखते हैं कितना आएगा, प्लस का 153 आ गया, माइनस का 84 और प्लस का 153 आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि किसका ज्यादा बच रहा है, तो माइनस का 84 हमने लिख लिया यहाँ पर, सॉल्यूशन सारा इधर कर लेते हैं, और प्लस का है 153। तो अगर हम इसमें से लेस करें तो बड़े में से अगर इसको लेस करेंगे तो आएगा प्लस का 69 आएगा, माइनस का 84 है, प्लस का 153 है, अगर इसमें से इसको हम लेस करें तो हमारे प्लस के बचेंगे और 69 बचेंगे। नाउ वी अप्लाई द फॉर्मूला एक्स बार मींस अर्थमेटिक एवरेज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन, मीन इक्वल्स टू ए की जगह पर एज्यूम्ड मीन जो हमारा 52 है
वो आ जाएगा प्लस सिग्मा डी एक्स की जगह पर प्लस का 69 आ जाएगा अपॉन एन, हमारा दे रखा है एन इक्वल्स टू 20, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 20, सो एन विल बी 20, 20 से इसको डिवाइड कर देंगे, मीन इक्वल्स टू 52 प्लस, अब 69 को 20 से डिवाइड करके देख लेते हैं, इधर 69 को 20 से कर लेते हैं, 23 जा 69 आ गया, 0.0 एक जीरो बढ़ा लिया, 24 जा 80 हो गया, 10 आ गया और अगेन जीरो बढ़ा लिया, 25 जा 100, तो हमारा ये जो डिवाइड करके आया 69 को 20 से डिवाइड किया तो 3.45, सो मीन और अर्थमेटिक एवरेज इक्वल्स टू 52.00 प्लस 3.45 ऐड कर लेंगे, 5 4 3 2 5 हो गया और 55.45, दिस इज द आंसर। सो स्टूडेंट्स ये सेकेंड न्यूमेरिकल था अर्थमेटिक एवरेज या मीन का इनडायरेक्ट मेथड से, तो मैंने ये आपको सॉल्व करके दिखा दिया। अब एक और न्यूमेरिकल हम लोग देते हैं। सो स्टूडेंट्स ये एक न्यूमेरिकल है और इसमें कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इनकम्स ऑफ 10 families, 10 families की इनकम दे रखी हुई है, कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है बाई शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड या इनडायरेक्ट मेथड एक ही बात है। तो फैमिली का नाम हमने लोगों ने इनको फैमिली के नेम्स दे रखे हुए हैं ABCD से लेकर जे तक और इनकम से इनकी दे रखी हुई है। तो सबसे पहले तो हमारा काम यह है कि जब हम इनडायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड से क्वेश्चन करते हैं तो जो एक्स दे रखा है, वैल्यूज जो दे रखी हुई है, उनको हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे छोटे से बड़े की तरफ, या उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लगा सकते हैं बड़े से छोटे की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं एक इस न्यूमेरिकल को। सबसे पहले हेडिंग लिख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन और जिस मेथड से कर रहे हैं उस मेथड का नाम लिख लेते हैं इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट या शॉर्टकट मेथड एक ही बात है। अब सबसे पहला कॉलम एक बना लेंगे फैमिली का, फैमिली का कॉलम बना लिया और फैमिली में ए से लेकर जेड तक हमारी फैमिली के नेम है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये फैमिली के नेम हो गए। और जो इनकम्स हमको दे रखी हुई हैं, इनकम्स इनको हम एक्स कहेंगे, ये हमारे वैल्यूज हैं और जो इनकम दे रखी है उनको छोटे से बड़े की तरफ इन वैल्यूज में आ जाएगा 85 फिर 100 85, देन उसके बाद है 100 फिर 110 देन 125 136 देन 140 142 आ जाएगा उसके बाद, और फिर 144 आ जाएगा, 175 आ जाएगा, 144 देन 175 आ जाएगा एंड इन द लास्ट 250। तो ये इनकम्स हो गई जिनको हमने छोटे से बड़े की तरफ असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया उसको, और ये हमारे एन हो गए, स्मॉल एन यानी नंबर ऑफ फैमिलीज आर 10 और ये इनकम या वैल्यूज का कॉलम हो गया। और थर्ड कॉलम जो हम बनाएंगे डी एक्स यानी डेविएशन फ्रॉम एक्स,
और इसमें एज्यूम्ड मीन हम ले लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं 140, और हरेक वैल्यूज को x को इसमें से 140 घटा देना है, वैल्यूज में से 140 को लेस करना है। तो देखते हैं माइनस में बचेगा, जब 85 में से 140 को लेस करेंगे तो माइनस का 55 बच गया, देन 40 बच गया, फिर 110 में से 140 को लेस करेंगे तो 30 आ जाएगा, और 125 में से इसको करेंगे 140, देन आएगा 15, और फिर आएगा माइनस का 136 में से 140 लेस करेंगे माइनस का 4 आएगा, 140 में से 140 लेस करेंगे 0 हो जाएगा, 142 में से अगर 140 को लेस करेंगे तो प्लस का 2 बचेगा, 144 में से 140 को लेस करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा, 175 में से अगर 140 को लेस करेंगे तो प्लस का 35 आ जाएगा, 250 में से 140 को लेस करेंगे तो 110 आ जाएगा। तो ये हमारे डेविएशंस फ्रॉम एक्स आ गए, और जो कि यहाँ तक माइनस में आए हैं फिर प्लस में आए हैं। तो अब हम लोग देखते हैं माइनस से कितने बचे हुए हैं। तो माइनस का 144 आ गया, और प्लस का देखते हैं कितना आएगा, प्लस का टोटल कितना आएगा, 246। प्लस का 151 आ गया, और चूंकि माइनस के 144 है प्लस का 151 है तो आंसर हमारा जो ज्यादा है वो बचेगा। प्लस 151 में से अगर 144 को लेस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा प्लस का 7। तो ये आ गया, नाउ वी अप्लाई द फॉर्मूला, एंड द फॉर्मूला इज मीन, एक्स बार से डिनोट करते हैं, इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन, मीन इक्वल्स टू ए की जगह पर 140 आ जाएगा, एज्यूम मीन हमने लिया है 140, प्लस सिग्मा डीएक्स आ जाएगा प्लस 7, क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है तो हमारा प्लस ही आ जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये 7 ही आ जाएगा अपॉन एन, एन इज 10, मीन इक्वल्स टू 140 प्लस, जब 7 को आप 10 से अगर डिवाइड करेंगे तो 10 पॉइंट लगा दिया, 0 बन जाएगा, 10 7 का 70 हो जाएगा, और 0.7 ये आ जाएगा, इसको डिवाइड किया, देन 140 प्लस 0.7 कैसे ऐड करेंगे देख लीजिए, गड़बड़ ना करें, 140.0 का लिया और 0.7 जब ऐड करेंगे तो पॉइंट यहां पर आएगा और 7 इस तरह से आएगा, और इसको ऐड करेंगे तो 140.7 ये आएगा। So our answer is 140.7 arithmetic. Mean equals to 140.7. This is our answer. So students, ये three numericals थे arithmetic mean को calculate करने के indirect method से, और individual series का भी मैंने आपको बताया है, individual series में तीनों numericals करके बताए हैं। तो अब आप लोगों को ये करना है कि आपकी जो numerical इसकी statistics की जो book है statistics की, उसमें जो इसके arithmetic mean के indirect method से arithmetic mean निकालने वाले जो questions हैं उनको आप लोग करके देखें, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करें जिससे आपको अच्छे से आ जाए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई चीज नहीं समझ में आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को मेरे सभी वीडियोस समय पर और सबसे पहले मिलते रहें। इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ।